पहला। थर्ड फैक्ट भाई, जितनी भी आप यहाँ पे टैक्सी देखोगे ना, उनमें ज्यादातर मर्सिडीज बेंज ही चलती है। फोर्थ फैक्ट भाई, जो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रिंटेड मैगजीन थी ना, वो जर्मनी में ही थी 1663 में। दोपहर को ही ना एप्पल की वेबसाइट से एक मैंने टाइप सी टू यूएसबी अडेप्टर जो है वो बाय किया था, जो मुझे अभी पिक करना है इनको ईमेल दिखा के। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था भाई, काफी बड़ा स्टोर है और ये पिकअप का एक अलग से ही काउंटर बना होता है। यहाँ पे ईमेल दिखाओ, फिर ये जो भी प्रोडक्ट होता है वो निकाल के दे देते। तो मैंने पेमेंट ऑनलाइन ही कर दी थी, मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था क्योंकि जर्मनी का ना, तो उससे पे करा 25 यूरो। ये है भाई अडैप्टर, हार्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए ना काम आता है, क्योंकि मेरे पास गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने इसलिए खरीद लिया, वरना वो गिफ्ट कार्ड वेस्ट जाता। वरना तो ये क्या जरूरत थी भाई, बर्लिन कह रहा हूँ, वो बेल्किन वाला अडैप्टर है, उससे भी काम चल जाता था। बट ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बस रस्ते में ट्रैवलिंग करते वक्त ना दिक्कत नहीं आती। अगला जो फैक्ट है ना, आप में से काफी लोग जानते होंगे, जर्मनी जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंट्री है। बड़े बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां यहीं पे ही प्रोडक्शन होती है, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इसके अलावा फॉक्सवैगन। मेरी जो बीएमडब्ल्यू 1250 जीएस से थी ना, वो भी भाई जर्मनी से पूरी इंपोर्ट हुई थी, ऐसे बनी बनाई। हालांकि मेरी जो बीएमडब्ल्यू X7 थी वो इंडिया में ही हुई थी असेंबल। अच्छा, क्या आपको पता है कि जर्मनी के 65% जो हाईवेज है ना, उनमें कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितनी मर्जी तेज चला सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई चलान नहीं करेगा। ये जो भाई यूरोनेट के एटीएम है ना, इनमें से कैश कभी भी मत निकालना, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस लगाते हैं ना। मतलब भाई साहब, 110 रुपए का यूरो पड़ रहा है मुझे यहाँ से कैश निकालने पर। तो काफी सब्सक्राइबर भी मुझे डीएम कर रहे हैं कि यहाँ से मत निकलवाना, ये स्कैम करते हैं। बाकी लो जी, मेट्रो स्टेशन आ गया है, वही जिसमें सुबह मैं उतरा था, वहीं से ही पकड़नी है, और तीन स्टॉप उतरना है बस आगे। और ये जो डिस्पेंसर्स होते हैं ना, इनको भी मत यूज करना भाई, बहुत महंगा सामान है। ये देखो, ये जरा सी पानी की बोतल 2.5 यूरो की है, दिख रहा है? ये देखो, 250 रुपए की बोतल है जरा। और जो रेस्टोरेंट है उनमें भी महंगी मिलती है चीजें, नॉर्मल छोटी मोटी दुकानों पे भी महंगी देते हैं, बट जो सुपर मार्केट्स होती है ना भाई, वहां पे आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। हालांकि इंडिया से तो महंगा ही है, बट स्टिल इनसे सस्ता है भाई का। गलती से भी ये यूज मत करना भाई साहब। नीचे मेट्रो स्टेशन पे एक थोड़ा सा मेंटली पागल बंदा लग रहा था, पीछे पड़ गया मेरे, कह रहा फोन बंद करो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रहा था, हाथ में था फोन, हाथ में भी रखो, बैग में रखो। भाई साहब मेट्रो में चढ़ गया मेरे साथ, जब तक मैंने बैग में नहीं रखा, जैसे कैसे बचबुचा के निकला हूं। यहां स्टेशन का नाम है ये भाई, यहां से अब 550 मीटर की और वॉक है। तो जब वो दो स्टेशन बाद मेट्रो से उतरा ना, तो एक और बंदा खड़ा हुआ था मेट्रो में, वो बता रहा कि ये यहीं पे ही रहता है मेट्रो स्टेशन में, और थोड़ा सा दिमाग से आते जाते लोगों को परेशान करता रहता है फालतू की चीजों पे। और खाली बोल रहा था तो भाई कोई नहीं, बैग में से पत्थर निकाल लिया, इतना बड़ा, कह रहा पत्थर मारूंगा, यूं यूं करके दिखा रहा। भाई मेरी फट गई, मैंने तो रख लिया बैग में जल्दी जल्दी। और अगर वो ना उतरता ना दो स्टेशन बाद, तो भाई मैं उतर जाता, क्योंकि 5 स्टेशन उसके साथ तो नहीं जाया जाता। यहाँ भी देखो किसी ने लिखा हुआ VR1। ये पूरी चीज ना भाई मेटल की है, देख लो जंग लगा पड़ा इस पे। और इस टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं, धूप देख रहे हो कितनी तेज पड़ रही है। यहाँ पे ना इन्होंने ये मशीन सी लगा रखी है मस्त सी, इसमें ना 4 बटन है कि 1958 में जब वॉल नहीं थी यहाँ पे, उससे पहले कैसा दिखता था बॉर्डर, उसके बाद 1963 में जब वॉल को रीबिल्ड किया गया, एंड देन 1973 में ईस्ट साइड कैसा लगता था, और 1990 में फाइनली जो है वो वॉल को गिरा दिया गया। तो आप बटन दबाओ, पूरी स्टोरी सुनाता है, मस्त है। मैंने सुन लिया आपको, मैं अब जरा समझा देता हूँ क्या सीन था। एक्चुअल में पूरी स्टोरी क्या है, वॉर खत्म होने के बाद ना पूरे जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से मेजर पोर्शन ना उस टाइम पे रशिया के पास था, एंड बाकी के जो 3 हिस्से थे वो थे यूके, फ्रांस एंड यूएस के पास। तो ये जो 3 हिस्से थे ना, इनको बोला जाता था उस टाइम पे वेस्टर्न पार्ट, और जो रशिया के अंडर था वो था ईस्टर्न पार्ट। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ईस्टर्न पार्ट से ना वेस्टर्न पार्ट में जाते थे वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ज्यादा थोड़ी ग्रोथ थी, तो इसलिए ना भाई उस टाइम पे एक बीच में वॉल बना दी गई, ताकि लोग जो है ना वो इधर उधर ना जा सके, एंड उसी दीवार का नाम था बर्लिन वॉल। फिर उसके बाद की कहानी लंबी है भाई, वॉल को तोड़ा गया, ऐसे अलग अलग चीजें हुई अलग अलग सालों में, जो आप गूगल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ भी बनी हुई है, ये थी वो वॉल, एंड इस तरह से 1961 में जो है वो किया गया था पूरा। काफी ना इंटरेस्टिंग है ये चीजें देखना भाई, मतलब उस टाइम पे सोचो आप, ऐसे कंट्रीज ही अलग अलग हुआ करती थी, अभी ये पूरा बर्लिन एक ही है जर्मनी के अंदर। एग्जैक्ट बताऊं तो इस जगह पे दीवार थी, उधर का पार्ट अलग हुआ करता था, एंड इधर का पार्ट अलग हुआ करता था। गजब है भाई, सोच के ही अलग लगता है ये सब चीजों को। वो जो दीवार थी ना, उसका एक हिस्सा ये देखो अभी भी बचा हुआ है भाई यहाँ पर, और एक ये जो सामने आप वॉच टावर देख रहे हो ना ऊपर, ये भी उसी टाइम का ही है, इसमें ये छेद हो रहा है भाई साहब, उधर देख सकते हैं हम दूसरी तरफ, आप भी शायद से देख पाओ। ये देखो कंक्रीट की भाई साहब मजबूत दीवार थी, ये पता नहीं लोहे की क्यों बना रखी है भाई, इसको कवर करने के लिए देखना, जंग लगा हुआ है जिसमें, हालांकि असल दीवार तो उधर थी। ये सामने बर्लिन वॉल मेमोरियल बनाया हुआ, जो ऑब्वियसली इस टाइम पे बंद है। ज्यादातर लोग तो भाई ये वाली वॉल ही देखने आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है, बाकी मेमोरियल अंदर से देखना तो आप जा सकते हो, टिकट होगी। यहाँ पे एक और मशीन है, जो विक्टिम्स थे ना बर्लिन वॉल के, उनकी यहाँ पे देखो फोटो लगा रखी है काफी सारी, एंड उनके बारे में यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 1961 से 89 के बीच में एटलीस्ट 136 लोग मरे थे। वैसे देखा जाए ना भाई, जर्मनी की या एक्चुअल में पूरे बर्लिन की काफी ज्यादा डार्क हिस्ट्री रही है इन मामलों में। काफी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई यहाँ पे जानने के लिए ना पूरा सीन। वही भाई लाइम करके ऐप है, मैंने आपको दिखाया बहुत बार, यहाँ पे इनकी साइकिल भी है, 60 मिनट का पास खरीद लिया मैंने 10 यूरोज में 1000 रुपए का। तो अब बचा कुछ एरिया जो है वो साइकिल में घूमेंगे, बट ये बियर और कोक की बोतल कौन रख गया यहाँ पे ना, ये बोतल्स रिसाइकल हो जाती है, तो शायद किसी होमलेस बंदे ने रखी होगी, क्योंकि फिर मशीन में डाल के इससे पैसे मिल जाते हैं। चलो भाई अपनी
साइकिल जो है वो रेडी है, एक्सप्लोर करते हैं अब साइकिल में बर्लिन सिटी को। बड़ी तेज प्यास लग रही है और यहाँ पे आसपास कोई भी वाटर डिस्पेंसर नहीं है, तो सबसे पहले तो एक वो ही ढूंढा है मैंने गूगल पे, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं, पानी की बोतल भरते हैं फ्री फंड में और प्यास मिटाते हैं। पूरी सिटी में ना ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हो ना आप, ये भाई साइकिलिंग वालों के लिए ही है, और ये जो साइड वाला है ये पैदल चलने वालों के लिए, तो यहाँ पे हम मस्त अपनी साइकिल चला सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे खड़ी कर दी है साइकिल, क्योंकि सामने एक जगह है जहाँ जाना है मुझे। पानी तो मिल नहीं पाया वहाँ पे जहाँ मैं गया, पोपट हो गया फालतू का। पहले तो ये देखो भाई कितना सुंदर चर्च है, ओए होए होए भाई, मतलब क्या ही आर्किटेक्चर होता था उस टाइम। ये देखो बिल्डिंग सेम टू सेम, और वो देखो बिल्कुल डिट्टो है ना। लेकिन मैं अभी आया हूँ भाई इस जगह पे, ये नाम पढ़ लेना, यहाँ का हिस्टोरिकल मार्केट स्क्वायर है। फोटो में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, यही वाली है सामने, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे भी देखो ये सेम टू सेम चर्च है, और उधर भी देखो सेम टू सेम आर्किटेक्चर। सही में भाई मेरी फूटी किस्मत लग रही है मुझे, हर जगह जहाँ मैं जाऊँ वो चीज बंद पड़ी होती है। अभी ये देख लो ये स्क्वायर भी बंद पड़ा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। गूगल पे तो इतनी सुंदर सुंदर फोटोज आ रही थी देख रहे हो, मैं तो इसलिए भाई साहब ऐसे पिघल सा गया, मैंने कहा जरूर जाएंगे। यहाँ पे आके देखा तो ये सब चल रहा है, बताओ। चलो बाकी अब वापस से होटल के पास चलते हैं, 20 मिनट का रास्ता है, 5.5 किलोमीटर। मैंने पास खरीदा उसमें से 36 मिनट यूज हो चुके हैं, 24 मिनट बचे हैं, तो होटल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। बट कसम से भाई बहुत मजा आया साइकिलिंग करने में, ऐसे मस्त गलियों गलियों में से घूमता हुआ पूरा बर्लिन छान मारा। सॉरी पूरा तो नहीं, पूरा तो बहुत बड़ा है, बट जितना हो पाया उतना। ये ना हाइब्रिड वाली साइकिल है, इलेक्ट्रिक प्लस में पैडल मारो तो वही स्कैन करना है। ये QR कोड लगा हुआ है, इसके बाद चालू हो जाएगी। है तो सही चीज बट महंगी है, थोड़ी सी सस्ती होती ना तो मजा आता घूमने में। भाई साहब बाहर इतनी खतरनाक वाली बारिश आई, पूरा भीग गया मैं, दिखाता हूँ मर जाके। यहीं पे सुपरमार्केट मिली तो एक ये मफिन ले लिया चॉकलेट वाला, और एक ये वेज पास्ता ले लिया रेड सॉस, साथ में एक पानी की बोतल भी। भाई टोटल 7 यूरो यानी कि 700 रुपीज में तीनों चीज। मस्त है इसका तो टेस्ट एकदम, अंडी बच्ची खासी है, पेट भर जाएगा मस्त एकदम से। भाई साहब जो कुछ भी आया था अचानक से ही आया था, फटाफट से मैंने तो यहाँ पे साइकिल छोड़ी और सीधा वो सामने ग्रोसरी स्टोर है वहाँ घुस गया था। 1 किलोमीटर ही बचा है होटल, फटाफट से चलता हूँ लेके ही सही। और अच्छा वो जल्दी जल्दी में मैंने इसको स्टॉप कर दिया, वरना तो भाई साहब मेरे वो मिनट यूज होते रहते। कसम से भाई बारिश ना खतरनाक ही आई थी, विद इन अ सेकंड इतनी तेज बौछार शुरू अचानक से, सारे जूतों में भी पानी घुस गया होगा, मेरे को यही डर लग रहा था सुबह, और वो ही हो गया भाई सब, ऐसी तैसी पूरी कपड़े भी भीग गए। जाके पहुंचना पड़ेगा, सुखाऊंगा वरना तो बीमार पड़ जाऊंगा। ये देखो खाली बारिश ही नहीं आई, तगड़े वाला तूफान भी आया, पेड़ गिरा दिया भाई पूरा का पूरा, ओ तेरी गाड़ी में घुस गया भाई पेड़, ओ शिट भाई साहब चक गई पूरी गाड़ी, कुछ ज्यादा ही क्रेजी वाला है ये तो भाई। अच्छा हुआ भाई साहब सेफ जगह पे था मैं, पता चले कोई पेड़ मेरे ऊपर गिरा पड़ा होता। भाई साहब पूरे जड़ से ही पेड़ उखड़ गया और गाड़ी के ऊपर हो, इस वाली गाड़ी के भी शीशे वीशे सब टूट गए यार। वहाँ देखो सामने भाई पुलिस भी आ गई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगी ना क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ये आ गया भाई होटल, पार्क कर दिया, अपनी भी गाड़ी जाके चेक कर लिया जाए, वैसे तो अंदर ही थी, होना तो कुछ नहीं चाहिए। ओहो लग तो ठीक ही रही है, हालांकि ओपन में ही खड़ी थी अपनी गाड़ी भी, पर पेड़ वेड़ है नहीं यहाँ पे, बच गई। तू कर भाई मेरी ना ऐसे दिल धक धक होने लग गया था कि गाड़ी को कुछ ना हो।